हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टैनिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे टैनिंग क्या है, टैनिंग से बचने के लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो, और यदि किसी कारणवश आपको टैनिंग हो चुकी है तो आप इसे क्यूर कैसे करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज टैनिंग? हमारे स्किन में सेल्स होते हैं जिसे हम मेलेनिन सेल्स बोलते हैं, जो हमारे स्किन को कलर देने का काम करते हैं। जैसे कि ज्यादा व्हाइट टोन या तो फेयर स्किन में ये नाक के बराबर पाए जाते हैं, और जैसे जैसे स्किन डार्क होने लगती है ये उनमें ज्यादा दिखने को मिलते हैं। अभी ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। यदि आप डायरेक्ट सनलाइट में जाओ तो ये सेल्स बड़े हो जाते हैं और ये हमें टैनिंग दे देते हैं। अभी आप टैनिंग से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो? कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर से दूर रहिए। यदि आपको जाना ही है तो आप कंप्लीट क्लोदिंग यूज कीजिए, जैसे स्टोल वेयर कीजिए, ग्लेयर्स यूज कीजिए, मास्क वेयर कीजिए, फुल स्लीव्स के शर्ट यूज कीजिए। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विदाउट सनस्क्रीन आप घर के बाहर नहीं जाओगे। सनस्क्रीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सनस्क्रीन आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही यूज करनी है। सनरेज टू टाइप्स के होते हैं, UVA सनरेज एंड UVB विच डैमेज अवर स्किन। उसमें से UVA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन टैनिंग। तो आपको SPF 30-40 यूज करना है अगर आपकी स्किन डार्क है, और यदि आपकी स्किन फेयर है तो फिर आप SPF 50-60 भी यूज कर सकते हो। अभी अगर आपको किसी कारणवश टैनिंग हो चुकी है तो आप उसे क्यूर कैसे करोगे? तो अगर आपको फ्रेशली सनबर्न हुआ है, फ्रेशली सनबर्न मतलब अगर आपकी स्किन रेड हो चुकी है और आपको वहां पे इचीनेस फील हो रहा है, तो आप वहां पर स्किन ब्राइटनिंग एजेंट्स नहीं, स्किन सूदिंग एजेंट्स यूज करोगे। जैसे आप एलोवेरा यूज कर सकते हो, आइस यूज कर सकते हो, कुकुम्बर यूज कर सकते हो। हाल ही में मैं बीच वेकेशंस के लिए गोवा गई थी, तो मुझे फ्रेशली सनबर्न हुआ है। सनबर्न में आपकी स्किन में रेडनेस हो जाती है, इचीनेस होती है और जलन होने लगती है। तो मैंने एक कुकुम्बर को हाफ कट करके उसे 2-3 आवर्स के लिए फ्रीज़र में फ्रीज होने के लिए रख दिया, और फिर उस कुकुम्बर को अपने चेहरे पर लगाया। 5-10 मिनट्स इसको अपने चेहरे पर छोड़ने के बाद मैंने चेहरा वॉश ऑफ कर लिया। चेहरा वॉश करने के बाद मैंने अपने चेहरे पर गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, और आलमंड ऑयल को एज अ अंडर आई क्रीम एंड लिप बाम यूज़ किया है। और अगर आपको टैनिंग हुई है तो आप टैनिंग के लिए आप स्किन ब्राइटनिंग एजेंट्स यूज करोगे, एंटीऑक्सीडेंट्स और स्किन एक्सफोलिएटर यूज करोगे। जैसे आप टोमेटो प्लस कर्ड का पेस्ट बनाकर उसको अफेक्टेड एरिया पे लगाइए, 5-10 मिनट्स छोड़ दीजिए और वॉश ऑफ कीजिए। आप लेमन यूज कर सकते हो। कीप इन माइंड कि लेमन, कोलगेट ये चीजें आप अपने फेस पे नहीं लगाओगे। हाँ, अगर आपको स्किन टैन लेग्स पे हुआ है, हैंड्स पे हुआ है, तो आप लेमन का यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये तो हो गए होम रेमेडीज। बट अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, कई शादी है या तो फिर आपको जल्दी क्यूर करना है, तो आप ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हो। डर्मेट से आप आपके कंसल्ट कीजिए, जिसमें कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और कुछ ट्रीटमेंट्स भी है, जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट हो गया, पीलिंग ऑप्शंस है, जो आप आपके डर्मेट से कंसल्ट करके करवा सकते हो। यदि आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।